नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण, बी फार्मेसिस्ट। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं आ चुका हूं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए मेडिसिन के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक ऐसी क्रीम से रिलेटेड जो कि आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल क्रीम होने वाली है, जो कि दोस्तों घर में काम आने वाली क्रीम है। और उस क्रीम को दोस्तों हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिल पाते हैं। अगर दोस्तों वो आपके घर में क्रीम होती है तो उस क्रीम के जरिए दोस्तों अपने ट्रीटमेंट आप घर में कर सकते हैं। और इस क्रीम का दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स वो देगी। और एक अच्छी कंपनी की क्रीम है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दोस्तों वाले पर जरूर कर लें। थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों कंप्लीट नॉलेज मैं आप सभी को दूंगा, लेटरली दोस्तों मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको यूज़ करनी है, किस एमआरपी में दोस्तों आपको अवेलेबल मिलेगी वो क्रीम, और उसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला गया, क्या दोस्तों उसके अंदर कंटेंट डाला गया है, और कहाँ से दोस्तों आप क्रीम को जो है परचेज कर सकते हैं, कहाँ से उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस क्रीम की अभी मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा था, जिससे रिलेटेड अभी मैं आप सभी को जानकारी दे रहा था, तो दोस्तों ये है वो क्रीम। और आज की इस वीडियो में इसी क्रीम की मैं जानकारी दूंगा, इसी क्रीम का रिव्यू करूंगा, इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप सभी के सामने करूंगा। और ये जो क्रीम है दोस्तों ये है स्नोफी कंपनी की, जो कि सोफ्रामाइसिन के नाम से आती है और 30 ग्राम में आती है, 30 ग्राम में आती है। और ये जो क्रीम है दोस्तों स्पेसिफिकली बनाई गई है बाउंस के लिए। अगर दोस्तों आपको बाउंस अगर देखा जा रहा है बॉडी में कहीं भी, अगर बाउंस अगर हो रहा है जैसे कि घाव हो रहा है और दोस्तों बाउंड आपका हील हो नहीं पा रहा, आपका जो घाव है दोस्तों भर नहीं पा रहा है, तो दोस्तों बाउंड हीलिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है। और दोस्तों अगर आपको जैसे कि जो है बर्न्स अगर देखा जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कोई भी काम आप करते रहते हैं जैसे कि जल जाता है, माइल्ड अगर बर्न्स जैसे देखा जा रहा है, तो दोस्तों बर्न जैसे बर्न डिजीज के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। और ये जो क्रीम है दोस्तों ये है स्कैल्स के लिए, अगर आपको दोस्तों स्कैल्स अगर कहीं भी देखा जा रहा है, स्कैल्स को भी दोस्तों ठीक करती है। साथ ही दोस्तों अगर आपको बॉयल्स अगर देखा जा रहा है, जैसे कि अगर आपको फोड़ा निकल रहा है कहीं पे भी और उसमें दोस्तों पिस्टूल बनी हुई है, पस बनी हुई है, और दोस्तों साथ ही उसमें दर्द देखा जा रहा है, तो दोस्तों बॉयल्स को भी दोस्तों ठीक करती है। ये दोस्तों आपको जो अल्सर अगर देखा जा रहा है, अल्सर जैसे कि कहीं भी हो सकता है बॉडी में, अल्सर जैसे कि बॉडी में किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके दोस्तों हैंड्स पे हो सकते हैं, आपके दोस्तों जो है मैं बात करूँ बैक पे हो सकता है, या दोस्तों आपके जो है थाइज़ है वहाँ पे भी आपको अल्सर हो सकता है, तो दोस्तों अल्सर्स के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव ये क्रीम है। और उसमें भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। या दोस्तों जैसे कई बार ऐसा होता है कि कट जैसे लग जाता है, कोई भी आप काम करते रहते हैं और जैसे कट लग जाता है, नाइफ से कट लग जाता है, ब्लड आने लगता है, तो दोस्तों कट्स के लिए भी यूज़ आप कर सकते हैं। माइल्ड कट के लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देती है। और ये जो क्रीम है दोस्तों स्कैबीज डिजीज में भी काफ़ी इफेक्टिव क्रीम है, जैसे कि अगर आपको स्कैबीज अगर देखी जा रही है, जैसे कि ईचिंग होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है, खुजली होने लगती है, और स्कैबीज दोस्तों कहीं पे भी हो सकती है, ये दोस्तों आपके जो है मैं बात करूँ आपके स्कैल्प में हो सकती है, आपके थाइस में हो सकती है, या दोस्तों आपकी जो नेक है वहाँ पर भी हो सकती है, तो इसमें दोस्तों स्कैबीज डिजीज के लिए भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देगी। और दोस्तों ये जो क्रीम है इम्पिटाइगो डिजीज में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दोस्तों इम्पिटाइगो डिजीज अगर देखी जा रही है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देती है, या दोस्तों आपको साइकोसिस बर्बे डिजीज अगर देखी जा रही है तो उसमें भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देती है। या दोस्तों आपको जो फेरिंगोलेसिस डिजीज अगर देखी जा रही है, फेरिंगोलेसिस डिजीज में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये दोस्तों देती है। या जो सो आपको जो है ओटाइटिस एक्सटीना अगर देखा जा रहा है, ओटाइटिस एक्सटीना भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत से जो है बीमारी में दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, जो इसमें मेंशन किया गया है वही मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों ये जो क्रीम है मैं बात करूँ आपको जो है पेरेंटोनिया डिजीज में भी यूज़ कर सकते हैं, पेरेंटोनिया अगर डिजीज अगर देखी जा रही है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देती है दोस्तों। और दोस्तों ये जो है बात करूँ जो है आपके स्कैबीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दोस्तों लाइज अगर देखी जा रही है, लाइज अगर आपको हो रही है, जैसे आपको दोस्तों लाइज जैसे कि जूएँ हो जाती हैं, तो उसमें भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आप सभी को बता देता हूँ इस क्रीम की क्या एमआरपी है, किस एमआरपी में दोस्तों आपको अवेलेबल मिलेगी ये क्रीम। तो दोस्तों ये आपको मिलेगी 50 रुपीज़ की दोस्तों, 50 रुपये की मिलेगी। और आपके जो नज़दीकी जो एलोपैथिक मेडिकल स्टोर है वहाँ से आप इसको ईजीली ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो कॉम्पोजिशन डाला गया है वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें दोस्तों जो है फेरामाइसिन का जो है साल्ट डाला गया है, पैराफिन का साल्ट डाला गया है, और दोस्तों इसमें बहुत से इसके अंदर साल्ट डाले गए हैं जो कि एक अच्छी क्रीम है दोस्तों, एक अच्छी कंपनी क्रीम है, स्नोफी कंपनी क्रीम है। और इस क्रीम का दोस्तों बच्चों से बिल्कुल दूर रखना है और इसको एक्सटर्नली यूज़ करना है, बाहरी तौर पर इसको लगाना है
और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ इस क्रीम को दोस्तों कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको लगाना है, इसको यूज़ करने से पहले क्या आपको इसमें प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको जो है प्रॉब्लम देखी जा रही है, जैसे आपको वाउंड देखे जा रहे हैं या दोस्तों आपको जो है अल्सर देखा जा रहा है या दोस्तों आपको जो मैंने अभी आप सभी को एक्सप्लेन किया है, तो दोस्तों उस एरिया को पहले जो है वॉश कर लें, या तो दोस्तों जो है डिटॉल से पहले उसको साफ़ कर लें, या दोस्तों जो है हाइड्रोजन आती है उसको साफ़ कर लें, या नॉर्मली जो वाटर होता है उससे जो इसको जो है वॉश कर लें, पहले धो लें उसको, और दोस्तों जब वो ड्राई हो जाए, जब वो सूख जाए, तब दोस्तों इस क्रीम को लगाएं, और रात में लगाएं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी दोस्तों। और इसको जो है जब इस क्रीम को दोस्तों यूज़ कर लें तो इसकी जो कैप है उसको सही से टाइट करके ज़रूर रखें। और दोस्तों मैं आप सभी को बाहर निकाल के दिखा देता हूँ किस टाइप की क्रीम आती है। तो दोस्तों ये इस टाइप की आती है, ये दोस्तों 30 ग्राम में आती है और काफ़ी अच्छी क्रीम है दोस्तों, जो कि मैं जो है यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला। तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो मैं बना दूँ सभी के लिए। और दोस्तों ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं है, एक जो है सिंपल सी वीडियो है, एक कॉमन सी वीडियो दोस्तों, जो कि आपके घर में काम आने वाली क्रीम है दोस्तों, अपने अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इस क्रीम की आप सभी को कंप्लीट नॉलेज दे दी, आप सभी को दोस्तों पूरी जानकारी दे दी है, और लिटरली दोस्तों मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, और कोशिश की दोस्तों इस मेडिसिन की इस क्रीम की आप सभी को दोस्तों एक ऑनेस्ट रिव्यू करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर जरूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें, दोस्तों जिनको इस समस्या देखी जाए उनको शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ऑल प्रेस जरूर कर लें, और हो सके दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करें। और मिलते हैं को नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो देखना चाहते हैं, किस मेडिसिन पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर करें। सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।